गुना और ग्वालियर ये दोनों ही सिंधिया परिवार की परंपरागत संसदीय क्षेत्र रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राय सिंधिया पहले ग्वालियर सीट से सांसद चुने गए थे, बाद में भाजपा नेता जयभान सिन्हा पविया की मजबूती से उभरने के कारण उन्हें ग्वालियर छोड़ना पड़ा, फिर वे गुना से आ गए। बता दें, माधव राज सिंधिया के निधन के बाद जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सियासत में कदम रखा है, तब से गुना संसदीय सीट को राजनीतिक विरासत माना गया है। अब कांग्रेस का गेम प्लान इसी सीट के कोर एरिया में सिंधिया की सल्तनत पे सेंध लगाकर ध्वस्त करने का है। इसके तहत कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को इन सीटों पर उतारा है, वही एक एक बूथ की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बता दें कि गुना की जंग में सिंधिया सल्तनत और दिग्विजय रियासत बड़ा फैक्टर है। गुना की 4 में से 3 सीटें अभी सिंधिया समर्थकों से बाहर है। इनमें एक सीट पर दिग्विजय के पुत्र जयवर्धन सिंह और एक पर छोटे भाई लक्ष्मण सिंह काबिज है। एक सीट पर भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव, बिमोरी सीट पर सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। वही कांग्रेस का गेम प्लान अब गुना में सिसोदिया की हार पर फोकस करना है। सिसोदिया यदि हार जाते हैं तो पार्टी स्तर पर भाजपा और कांग्रेस की 2-2 सीटें हो जाएंगी, लेकिन सिसोदिया की हार सिंधिया के लिए गुना में गेम ओवर जैसी होगी। बता दें, यहाँ दिग्विजय के पुत्र जयवर्धन सिंह जुटे हुए हैं, हर बूथ तक उनकी पहुंच है। एक बड़ा फैक्टर पूर्व मंत्री कन्हैया लाल अग्रवाल को कांग्रेस प्रत्याशी बनाना है। सिसोदिया पिछली बार 27,000 वोटों से जीते थे, जबकि अग्रवाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 28,000 से ज्यादा वोट्स ले गए थे। तब भाजपा ने अग्रवाल को टिकट नहीं दिया था, वे निर्दलीय उतरे थे। इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट देकर मैदान में मुकाबले की कांटे की टक्कर कर दी है। हालांकि सिंधिया को हमेशा से मलराल रहा है कि गुना सीट से उन्हें बेहद कम वोट मिलते रहे हैं। यहां तक कि जब वे खुद चुनाव लड़ते थे तब भी गुना सीट उनका ज्यादा साथ नहीं देती। इसलिए यदि बिमोरी से सिसोदिया हार जाते हैं तो सिंधिया इस पूरे जिले से बाहर हो जाएंगे। वही बता दें, यहाँ अभी 6 में से 3 सीटों पर उपचुनाव है। इनमें सिंधिया समर्थक 2 मंत्री पद्मम सिंह तोमर ग्वालियर और इमरती देवी डबरा से मैदान में है। तीसरी सीट ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल बाकी विधायक के रूप में भाजपा के टिकट पर है। कांग्रेस गेम प्लान के तहत तीनों सीटों पर सिंधिया समर्थकों को हराने के लिए ताकत लगा रही है। ग्वालियर में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, लाखन सिंह के साथ रामनिवास रावत, अशोक सिंह को कांग्रेस ने जुटा रखा है। पहले लाखन सिंह को सिंधिया समर्थक माना जाता रहा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के पहले वे सिंधिया से दूर हो गए थे। वही कांग्रेस के निशाने पर मंत्री तोमर की सीट है, क्योंकि यहां उनके लिए भीतर घात के भंवर से भी जूझना चुनौती होगी, जो कांग्रेस की राह आसान कर सकती है। यहां पूर्व मंत्री जयभान सिंह पविया की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। पविया को सिंधिया का विरोधी माना जाता है। वही पिछली बार वे तोमर से हारे थे। अब तोमर की जीत के साथ पविया की सियासी करियर पर सवालिया निशान लग जाएंगे, इस कारण ये भीतर घात के दावपेच ज्यादा है। बता दें, ग्वालियर ग्रामीण सीट भाजपा के पास है। दक्षिण पर कांग्रेस के प्रवीण पाठक और भीतरवार से लाखन सिंह विधायक हैं। सिंधिया समर्थकों के हाथ से उपचुनाव वाली 3 सीटें निकल गई तो भाजपा के पास 1 सीट रहेगी। इस तरह सिंधिया के लिए यहां गेम ओवर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।